बरसे सुमन दुंद भी बाजे बर दिवसियाते शीत नघामा मधि दिवसियाते शीत नघामा पावन काले लोक विश्रामा भैया भगवान का जन्म उतरत क्षेत्र बिल्कुल दोपहर के समय दिन के 12 बजे आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। अवतार लो प्रभु अवतार लो, दुम दुबियां बजने लगी। मास्टर पेड मास्टर हरगन मास्टर दुंदुबी बजा दो, ढोलक मास्टर दुंदुबी तो बजा दो। भगवान राम के जन्म में दुंदुबी बजने लगी। अरे दुंदुबी केवल ढोलक से दुंदुबी तक तक पैट से बजाइए भैया। देखो दुंदुबी बजने लगी कैसे कैसी, देखे फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान राम का जन्म हो रहा है, दुंदुबियां बजने लगी। ओ बरसे सुमन सुअंजल साजी, बरसे सुमन बजे दुंद भी बाजी, स्तुति करती नाग मुन देवा, स्तुति करती नाग मुन देवा, बहु विधि ल्यावहिं निज निज सेवा। ओ गगन विमल संग कुलेश्वर जूठा, गगन विमल भैया आकाश में देवताओं के जूत बन गए। भगवान राम का जन्म हुआ, 33 करोड़ देवता आकाश में मंडराने लगे फूल लेकर के, ब्रह्मा और शंकर। भगवान का जन्म हो उतरा चैत की नमे मध्य दोपहर के समय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम का जन्म हुआ। बोलो सियावर राम चंद्र की। भैया भगवान का जन्म हुआ बड़ी खुशी, हमें भी खुशी है, फूलों की वर्षा होने लगी। हमारे जजमान बलबीर को भी आज खुशी बहुत है, हमारे जजमान जजमानी दोनों को खुशी है कसम से। अभी थोड़ी देर में पता पड़ा जाता, देखिए आप। अब जब भगवान की खुशी जन्म भाव, राम का जन्म दशरथ जन्म श्रवण सुन काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्म का आनंद मिल गया दशरथ जी को। आज जब राम का जन्म हुआ तो एक बधाई गीत तो बनता है मास्टर, एक राम जन्म में सुनाएंगे, एक कृष्ण जन्म में। चलिए थोड़ी भगवान का जन्म हुआ तो एक सोहरो तो हो ही जाए, कह दो तो हो जाए, नहीं तो भैया हमें खुशी है एक सौर हो जाए। चलो राजा दशरथ के भवनवा, ए
राजा दशरथ के भवनवा पे जने मेरा गोल ललनवा। राघो ललनवा राघो दशरथ के भवनवा पे जने मेरा गोल ललनवा। हाँ भैया, भगवान राम के जन्म में खुशी है कि नहीं तुम्हें बताओ, मूड हलाओ, मूड भर हला दो मान्य भैया, खुशी है? और जजमान बलवीर भैया तुम्हें खुशी है भगवान? तो एक बार कहो सियावर रामचंद्र की और भगवान के जन्म में खुशी हो यदि तुम्हें, तो एक ठुमका लगा के बताओ जब हम जानें कि तुम्हें खुशी है। अरे राजा दशरथ के भवनवा चाहिए, जो नाचेगा भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि तुम तो जन्म में भगवान के नाच रहे हो। बिहारी जी सामने बैठे, राजा दशरथ के भवनवा पे जने मेरा गोल बजत बधाई। आज अवध में बजत बधाई, आज अवध में बजत बधाई, आज अवध में बजत बधाई। परिसे विविध सुमनवा भजन में गोलन लखन शत्रुघ्न। राम भरत और लखन शत्रुघ्न, राम भरत और लखन शत्रुघ्न, राम भरत और लखन शत्रुघ्न। झूलत रजत पलनवा भजन मेरा गोल करते नवनियांगना। उन्मत करते नवनियांगना।
उन्मत करते नवनिया अंगना उन्मत करते नवनिया मांगते क्या मांग रही नवनिया अरे मांगते रजते पलनवा ए मांगते लरमे कंगनवा पे जले मेरा गोलन मत करते नवनिया अंगना उन मत करते नवनिया अंगना मांगते लर में कंगनवा मांग राजा दशरथ के भवनवा पे जने मेरा गोलनवा जने मेरा गोल ललनवा राजा दशरथ के भवनवा मेरा गोलनवा राजा दशरथ के भवनवा जने मेरा गोल ललनवा राजा दशरथ के भवनवा जने मेरा गोल ललनवा श्या बर रामचंद्र की देखिए मैंने ये आपको भागवत के माध्यम से भगवान राम का सुंदर जन्म की कथा सुनाई समुद्र मंथन की कथा गजग्राही की कथा भृगवंश चंद्रवंश इसके बाद मैंने अभी अभी सूर्यवंश अब चलिए यदवंश जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया जो मैंने कल अनाउंस किया था तो कृष्ण जन्म अरे कृष्ण जन्म क्या है यदुष लिखा है यदुष धर्मशीलस नितराना मुनि सत्यमाह तत्र सैनम मौत्रीणम विष्णु वीरेण संशना भैया महाराज यदु धर्मशीलस बड़े धर्मवान थे और महाराज यदु के वंश में कृष्ण ने अवतार लिया था याति राजा घोड़ा से शिकार खेलने जा रहे थे राजा याति समझ गए अब तो देव यानी कुआ में गिर गई अब क्यों गिर गई है ना पूछो कि शर्मिष्ठा ने ढकेल दिया कि संयोग था ये देव यानी शुक्राचार्य की बिटिया थी इसको इंद्र के लड़के कच का श्राप था कि तुझे कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा तो उसने कहा जो मेरा हाथ पकड़ेगा वही पति होगा अंदर रहती थी एक दिन सखियों के साथ आई तो शर्मिष्ठा ने लड़ाई होगी सुदेव यानी को शुक्राचार्य की बिटिया को ऐसा धक्का मारा कि कुएं में गिर गई वहां से राजा याति आ रहे थे यादव उन्होंने देखा एक लड़की पड़ी है उन्होंने हाथ पकड़ के कुएं से बाहर निकाला जंगल का काम अब ये तो बर्दा नहीं था जो हाथ पकड़ेगा वही पति होगा देवयानी के पति राजा याति हो गए देवयानी को बड़ा दुख हुआ कि मैं ब्राह्मणी और मुझे यादव पति मिला लेकिन उस समय भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की कि देवयानी चिंता न कर भले ही यादव पति मिला तेरे और याति के संबंध से चार पुत्र होंगे चार पुत्र हुए थे अनु दुहु तुर्वस यदु सबसे छोटे पुत्र का नाम यदु होगा
तेरे सबसे छोटे पुत्र का नाम यदु होगा। रो मत देवयानी, मैं तेरे ही पुत्र के वंश में मैं नारायण कृष्ण नाम से अवतार लेके समस्त यादव वंश को पवित्र करूंगा। तत्र सेनम अवतीर्णे विष्णु वीरेण संशना यद्दोष धर्मशीलस नितरा नामुन सत्यमा। महाराज यदु बड़े धार्मिक थे, सबसे छोटे लड़का, उन्हें गद्दी मिली। महाराज यदु राजा थे उस समय और बड़े धार्मिक थे। लेकिन धार्मिक बन, मैंने उस दिन बताया था ना कि धार्मिक बनना बात अलग है और धार्मिक होना बात। जैसे मंदिर में घंटियां हनाने लगो तो धार्मिक बन गए कि धार्मिक हो गए, बताओ। अच्छा, मंदिर में पूजा कोई कोई बड़े आदमी शौक होती है तो वह घर में मंदिर बनवा लेते हैं। तुम तो ठीक है मंदिर में आ, वो तो बड़े बड़े लोग घर ही में मंदिर बनवा लेते हैं तो वह धार्मिक बन गए कि धार्मिक हो गए। वो धार्मिक बने हैं लेकिन धार्मिक हुए नहीं है। जितने भी इस समय इतना पाखंड चल रहा है हमारे देश में भी कि धर्म के नाम पर बहुत ठगा जा रहा है, बहुत लूटा जा रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। धर्म बनना बात अलग है और हो जाना बात अलग है। कोई मंदिर में पूजा करने लगा तो वो धार्मिक बना है, धार्मिक हुआ नहीं है, होना बात दूसरी है। ये तो बनना है, देखिए आप होना होना क्या है। अरे होना ये है। अच्छा धर्म क्या है पहले समझ लो आप, धर्म की परिभाषा समझिए। तो अपने आप पे संयम रखना और दूसरों के प्रति शीलता का व्यवहार करना, यही धर्म है। अपने आप पे संयम रखना, शरीर पे संयम रखिए, इंद्रियों पे संयम रखिए, मन पे संयम रखिए, बुद्धि पे संयम रखिए, वाणी पे संयम रखिए, पत्नी पे, पुत्रों पे, मोह का संयम रखिए, मोह ना होने दे, वासनाओं ना घुसने दे। संयम अपने आप में, इंद्रियों पर, अपने शरीर पर संयम रखो, लगाम कस के कसे रहो और दूसरों के प्रति हमेशा नम्रता का व्यवहार करो, बस यही धर्म है। इसको जो धारण करता है वही धर्मवान है और जो इसकी पूजा करता है वो मात्र धार्मिक है लेकिन धर्मवान नहीं। समझ गए आप? यद्दोष धर्मशीला। महाराज यदु बड़े धार्मिक थे, उनके ही वंश में भगवान ने अवतार लिया था। चलिए मैं अवतार की ओर लिए चलता हूं। आक्रांता भूर भारेण ब्राह्मणाम शरणम जजो ग्रौर भूत्वा मुखी खिन्ना कृदंताम करणम विभव। भैया आक्रांता द्वापर का लास्ट चरण था माताओं। क्या था? देखो एक बात तुम्हें बताएं, धर्मवान के घर में भगवान अवतार लिया। दशरथ जी धर्मवान थे, राम ने अवतार लिया और ये भी धर्मवान थे यदु। धर्म अंदर की बात है। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक अंदर एक बाहर। अंदर बुरा ना लगे, अंदर से आदमी सांप है और बाहर से मनुष्य। अंदर से तो ऐसा है, बाहर से ऐसा। हाँ, अंदर से वो सियार है, अंदर से वो जहरीला नांग है। कुत्ता भी आप कह सकते हैं, सुअर भी कह सकते हैं। अंदर से ऐसा और बाहर से सोशल सामाजिक पुरुष है ना। बाहर से हम टिप टॉप रहेंगे और भीतर से अव्वल आ रखे। कहने के भैया भीतर को बहुत बुरो, अंदर से तो अंदर की बुराइयों को थोड़ी हमें त्यागना है। देखिए दो प्रकार का संसार, एक भीतर का एक बाहर का। एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, सुनिए कथा। तो ऐसी सभा बैठी थी तो महाराज जी बोले मनुष्य बनिए मनुष्य। अरे भैया मनुष्य बनिए। एक आदमी उठो और कान लो का महाराज तुम्हें 10 बार हो गो कहत कहत, बाबा जी याद हूं तुम्हें 10 बार हो गो कहत कहत, मनुष्य बनिए मनुष्य। का हम गधान का, मनुष्य सही तो हैं,
सो महाराज जी के गुस्सा नहीं आई, वो बोले बेटा इते आओ ले 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 जाओ। यो मैंने 20 साल तपस्या करी, ये वस्त्र मिला मुझे देवताओं ने दिया, और ये ऐसा कपड़ा है कि यदि तैं ऐसी ओढ़ के देखा तो मनुष्य असलियत में दिखा जे का तो बैठे लगत है बहुत भाई, असलियत में इनके भीतर का है, मातन के भक्तन के जो दिखाई दे जे उनकी। अच्छा सुन, जैसी उड़ो उलर कर, भक्त था वो भगवान का, जैसी उसने उड़ा बाबा जी का दिया हुआ कप, अरे भैया कुत्ता ही कुत्ता दिखाए, सांप ही सांप दिखाए, लड़ाई लड़ाइया दिखाए, यहाँ का देखे तो कुतिया ही कुतिया सुंगर की। हाँ अरे कहां लगे महाराज, ये मैं तो एक आदमी नहीं दिखाती उड़े में, भीतर दिखात बाहर को चेम्बर नहीं दिखात, भीतर से आदमी है सो है। अले महाराज मैं तुम्हारे पांव पर जो कपड़ा मोह 2 घंटा का दे दे का, मैं तना घरे हुआ बेटा, 2 घंटा का दे दे का घरे हुआ। कहने लगी जल्दी ले आ, कहने लिया भेजा अब है गौ गौ घरे। सो घर वाली के कहले काए सुन आए, अरे कहले सुन नहीं आए तो खड़ी तो हो जा, मैं तो देखूं को आ। सो खड़ी कहले बात कहा, कहले खड़ी तो हो जाए, जो बाबा जी को अच्छा कपड़ा है, मैं तो भीतर को दिखा दो बाहर को नहीं दिखा, आदमी है कैसो। सो वो खड़ी भाई, सो ने उड़ हो जैसी उन्हें, सो कुतिया दिखाई दे। वो बोलो धत तेरे की, 40 साल हो गए मैं कुतिया की संग गया। वह कहले इतना कपड़ा मोह दई जो मऊ तो देखो तुमको। सो ने कपड़ा लो जैसी और उखें देखो, सो गधा दिखाई दो। अले धत तोरे की, 40 साल होगी मैं गधा की संग गया हूं। तो देखो मनुष्य भीतर से कछु और है और बाहर से कछु, ध्यान देना, भीतर से कुछ और है और बाहर से कुछ, इसको कहते हैं सोशल मनुष्य। सोशल मनुष्य, सामाजिक मनुष्य, सोशल दा मानो, यानी सोशल कहते हैं भीतर से कुछ और है और बाहर से कुछ, दिखता और है और है कुछ और, दिखता है वो धर्मवान धार्मिक, चंदन लगाए पंडित जी गमछा डाले, अब जेल में ठसे परे पता नहीं है, तुम रोज अखबार देखा तो रोज टीवी सुना तो है, हम नहीं बता रहे मंच से, अच्छा नहीं लगता देखे में तो ऐसे लगत हैं, और ये ब्रह्मा ही भगवान आ, तो भीतर से कैसे थे, थे सियार की नहीं, थे गीधड़ की नहीं, थे सांप की नहीं, बोलो भीतर से वो पशु था, मनुष्य भीतर से पशु है और ऊपर से मनुष्य होने का नाटक करता है, ऐसी धर्मी और धर्मवान में अंतर है, धर्म धार्मिक बनता है पर धार्मिक है नहीं मेरे बंधु। लेकिन महाराज यदु बड़े धार्मिक थे, बड़े धार्मिक यदोष धर्मशीलस्य, बड़े धार्मिक थे, और यहां महाराज कंस मथुरा का राजा था, आक्रांता भूरभारेण ब्राह्मणम शरणम ययो। अरे भैया द्वापर के अंत की कथा है माताओं, बेटा ले ले आई, अच्छा समझाते पी रहा चल को का बताएं हम तुम्हें, भैया ब्राह्मण तो एक जगह भोजन करन गए, सो पापड़ नहीं पर से उन्हें सब कछु तो परस दो मैया ने, पापड़ नहीं पर से और उते धैरा छिटिया में हम खाने थे, हम और ध्यान होएंगे, हमने की कैसे है बाई के का कहनो कहत तो कहे महाराज बहुत ही ललता है, कैसे आवे वो तई बैठी पूरी पर सब्जी सब कछु धरो पापड़ ना पर से, वो ध्यान नहीं रो। कहले काय महाराज तुम्हें आए में बहुत देर हो गई, हमने की बाई बहुत बड़ो सांप मिल गो एक रास्ता में। कहले हट महाराज सांप मिल गो, हमने की हाँ माता जी। कहले कितनो बड़ो तू, मन की इतना बड़ो तू जैसे इतने से वो पापड़ धरी उधर, अरे कहने लगे ध्यान नहीं रही पापड़ पर, हमने की ऐसा कहा ही कहीं जब जब ये इतना बड़ो सांप तो छिटिया से जहां वहां पापड़ धरी है तेरे लोग, अरे कल महाराज गलती होगी पापड़ नहीं परस पाई मैंने, वही से तो हमने कहो।
देखो एक बात बताएं आपको, आक्रांता भूर्भारे ब्राह्मणम शरणम, कंस के राज में चारों तरफ हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। कथा प्रेमी बंधु, चारों तरफ हाहाकार मच गया। कंस के द्वापर की अंत की कथा है। लो मास्टर आप ले लो लड़का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माति स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिति माति स्वामी सखा हमारे, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ वाहे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। भैया सुखदेव जी कहते, राजा चारों तरफ हाहाकार मच गया। ले लो आप बच्चा। आक्रांता भूर्भारेण ब्राह्मणम शरणम, इस प्रकार करने लगा अखल वो अत्याचार। अब पृथ्वी पर जब बढ़ गया कि दोष्टों का यत भार। ग्रोर भूत्र मताओ, चारों तरफ जब हाहाकार मच, फल रख देना बस, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो भैया सुनिए माताओं बंधुओ, पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास जाती है। धरा धेनु का रूप धरे और ब्रह्मा सदन में जाए, और करुणा भरी पुकारे से विपत कही बिल खाए। महाराज पृथ्वी रोती है ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मदेव महाराज, कुछ रखा रहने दो, कुछ रखा रहने दो भक्तों के लिए। चलो भैया, पृथ्वी माता रोती है ब्रह्मा जी से, मेरे ऊपर कंस जरासंध और अघासुर बकासुर जैसे महापापियों का राज है, आप उनको देखो संभालो, वरना भले ही पृथ्वी में प्रलय हो जाए मैं रसातल को चली जाऊंगी। पृथ्वी माता ने कहा ब्रह्मा जी से, क्या कहा? हे जड़ चेतन है सृष्टि आपकी, पैसो हो रही। हे जड़ चेतन है सृष्टि आपकी, अरे सो रही हो रही भारी है। अरे दुष्टन के अत्याचारों से पापे रे हो रहा जारी।
ही के अत्याचारों से मैं भय पाकर घबराई हूँ। अरे हे बिरंचे मेरा भार हरो, मैं शरण आपके आई। अरे ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी माता हम अकेले कंस के जरासंध के नहीं मार सकत, बड़े राक्षस हैं बलवान, हम नहीं मार पाएंगे, ना वध कर पाएंगे, ना धर्म की स्थापना कर पाएंगे। तो शंकर जी पृथ्वी माता वरुण देवता यम कुबेर दसों दिक्पाल अग्नि देवता वायु देवता वरुण देवता सब मिलके कहाँ गए? तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवव वृखा कपिम पुरुषा पुरुषुतेरम उपतस्तयी समाहिता। भैया समझ दियो था, भगवान नारायण के पास गए, क्षीर सागर पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, क्या करुणा निधान भगवान। समझ दियो था, प्रार्थना करते हैं, हे नारायण करुणा निधान भगवान, खबरे लो मेरी, खबरे लो मेरी, हम सभी सरो ने लही शरण तेरी। करुणान दान भगवान करी क्यों देरी, हम सभी सरो ने लही शरण तेरी। करुणान दान भैया। और सुनो, जब ये प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, ये देवताओं चिंता ना करो, मैं देवकी के गर्भ में आठवें पुत्र के रूप में उतार लूंगा, जाओ गिर में गुफाओं में कंदराओं में जैसे भी बन सके जियो, मेरे आने की प्रतीक्षा करो। करुणा निधि ने जब सुनी और करुणा के बैन, क्षीर सिंध की सेज पर हरी नहीं पायो चैन। भैया आकाश से आकाशवाणी हुई, हरि ने देखा भक्ति मां नहीं निढारे दी, तभी प्रभु आकाश से करा गिरा गंभीर। आकाशवाणी हुई, ऐ देवताओं सज्जन वृंदो भक्तो, आकाशवाणी हुई देवताओं सब देव, लिखा है सब देव रहो निर्भय तुम, मैं धरणी तल पर आता हूँ। अरे पृथ्वी का भार हटाने को नर रूप बना कर आता, देवताओं मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ एक और आएगा, कौन? का जो त्रेता युग में मेरा छोटा भाई था लक्ष्मण, अब ये द्वापर में बड़ा भाई वो शेषनाग बलदाऊ बन के आएगा। मम शेष अंश संकर्षण हो, बलदाऊ के नाम से आएंगे हम पहुंचे यशोदा नंद भवन, अरे नई नई लीला रचवाएंगे। आएगा और एक आएगी, कहा आएगी कौन महाराज? का जो आदि शक्ति मेरी माया
वो राधा नाम से आएगी, अरे ब्रजभान का नाम बढ़ाएगी, अरे ब्रजधाम का नाम बढ़ाएगी। अश्वासम जो मही गिर भी स्वाधाम परमम यो। सब देवता अपने अपने धाम के चले गए। अब यहाँ भी तो देखो भैया, सूरसेन देश के राजा यहाँ देवक तो उग्रसेन दो भाई थे, तो उग्रसेन का तो कंस था और देवक की एक बिटिया थी देव की, कंस की चचेरी बहन। वो सूरसेन देश के सूरसेन राजा के लड़के बसदेव के साथ विवाह कर दिया। धूमधाम से बारात आई, माताओ संग तूर्या मृदंगा पने भयो समम। शंख तूर घलियान बज रहा है और बड़े धूमधाम से कंस ने बड़ा दहेज दिया, बहुत दहेज। फिर भैया क्या लिखा है, कंस बना रथवान बहन के रथ के असो हाकता था, अरे बहनी की सेवा में अपने अरे नैनों से नीर बहाता था। भैया भाई रोता जाता है, बहन बेहोश हो गई, भैया ने छाती से लगा लिया, इतना रोया कंस, देवकी की साड़ी भींज गई, बहुत चाहता था, छोटी बहन थी ना, ओ इतनी रोई कंस से लिपट के, कंस का पीतांबर भींज गया। कंस कितना वैभवशील राजा कोई नहीं था धनवान ना, ना ना